बिल्कुल ये खत्म भी हो गया इधर एरिया। शुरुआत में स्टैचू था, बाद में जीसस क्राइस्ट और ये ताजमहल, और ऑल ओवरऑल बताएं तो काफ़ी अच्छी जगह है। दिल्ली आए तो एक जगह ये वाली घूमनी तो सही है, क्योंकि लोग रिकमेंड भी नहीं करते यहाँ का बेस्ट ऑफ वंडर, तो बताते भी नहीं, पता भी नहीं था। तो हमने जो कैब ही कर रखी है उसने ही बताया था। तो अभी हम आ गए हैं डायरेक्ट सरोजनी मार्केट से। सरोजनी मार्केट में कैसा लगा? अच्छा है मार्केट, काफ़ी भीड़ है, बाकी तो परचेजिंग है ही, करने वाले करते हैं, सस्ता है वहाँ। और अभी हम आ गए हैं इधर, ये वेस्ट टाउन वंडर, मतलब है लोहे की चीजें जो भी वेस्ट वाली होती है कि वो काम, वेस्ट वाली चीजें जो भी होती है वो काम में लेके, जैसे रॉक गार्डन था चंडीगढ़ में वैसा कुछ लग रहा है हमको बाहर से। देखते हैं अंदर क्या है। और गुंजन, दिल्ली में फाइनली कोई एक अलग हटके चीज देखने को मिल रही है, वेस्ट ऑफ वंडर, जो की कहीं से भी हमने कभी सुना नहीं था। तो चलो फाइनली कुछ नया एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, तो फटाक से चलते हैं। तो ये इधर इस तरह से है, वेस्ट टू वंडर, वेस्ट से वंडर बना दिया। हाँ, जो वेस्ट की चीजें होती है उनसे उनसे वंडरफुल आइटम बने हुए हैं। तो देखते हैं अंदर क्या है। बाकी संडे को है 100 रुपए और अदर डे है 50 रुपए टिकट। तो आज है संडे तो 100 रुपए का। तो ये इस तरह से अंदर काफी है। ये इधर गार्डन एरिया और ये इधर थोड़ा खाने पीने का कैंटीन। तो दिन का समय है, टी टाइम, चाय भी पीते हैं। तो चले थोड़ा इधर, हाँ पहले पूरा एक बार घूम लेते हैं। वेस्ट ऑफ वंडर में बस उधर ही थोड़ा बना हुआ है, और इधर तो बाकी फोटो शूट काफी इधर मेन पार्ट रहता है। बिल्कुल, आप भी बताइएगा कौन कौन दिल्ली से वीडियो देख रहे हैं और यहाँ घूमे हुए हैं क्या। वेस्ट ऑफ वंडर थीम पार्क में आप घूमे हुए हैं क्या? तो यहाँ इस तरह से ये जैसे ऊंट बना रखा है लोहे से, और अंदर जो क्राउड है काफी अच्छा है, काफी ही अच्छा है। मम्मी वैसे क्राउड भी काफी अच्छा है। और ये बीच में इधर बना रखा है स्टैच्यू। कितना शानदार नजारा लग रहा है, ऊपर का आसमान और नीचे स्टैच्यू। बिल्कुल मम्मी, फोटो प्लीज। तो यहाँ वैसे बार बार फोटो एरिया काफी ही ज्यादा है, तो फोटोज तो यहाँ आराम से ले ली, 50-100 फोटोज है तो ले ही ली था। नहीं नहीं, हर जगह की तो होनी चाहिए ना, तो हर जगह की फोटो बार बार थोड़ी ना आएंगे। हाँ, तो इधर ये है ऐसे ही, और आगे भी है तो देखते हैं अभी। और उधर ही स्टैचू, और आगे इधर ये जीसस क्राइस्ट का भी स्टैचू। मतलब जगह जगह पे फोटो पॉइंट एरिया है, मेन तो मैं यही बोलूंगा इधर के लिए। लेकिन घूमने के, हाँ दिल्ली आ रहे हैं तो घूमने के हिसाब से अच्छी जगह है वंडर्स ऑफ
वेस्टेज लिख के रख लीजिए नाम जब भी दिल्ली आए तो, वंडर्स ऑफ वेस्टेज थीम पार्क तो घूमिएगा ही, काफ़ी अच्छा लगा। तो इधर ये आगे ही आके मेन लोकेशन इसकी ताजमहल, मतलब ताजमहल आगरा जाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं देख लो कभी। ताजमहल वैसे मैं जाके भी आया हूँ और वहाँ जाके भी ऐसा ही रहता है, पूरा सीधा सीधा जाके ओनली ताजमहल और फोटोज खिंचवा लो बस, बस वही हो जाता है, ताजमहल ही है। तो बिल्कुल ये ख़त्म भी हो गया इधर एरिया, शुरुआत में स्टैचू था, बाद में जीसस क्राइस्ट और ताजमहल, और ओवरऑल बताएं तो काफ़ी अच्छी जगह। दिल्ली आए तो एक जगह ये वाली घूमनी तो सही है, क्योंकि लोग रिकमेंड भी नहीं करते यहाँ का बेस्ट ऑफ वंडर, तो बताते भी नहीं, पता भी नहीं था, तो हमने जो कैब भी कर रखी है उसने ही बताया था। टॉप वंडर का उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया है, और हमने आज तो वैसे लोकल कैब भी कर ली इधर ही 1500 रुपये में 8 घंटे के लिए। वैसे लोकल कैब कर ले तो काफ़ी सही रहता है, हमने कल नहीं करी थी तो काफ़ी दिक्कत आई हमें, समय खराब हो गया। हाँ, कल भी कर लेते तो हमारा काफ़ी कवर हो जाता। कल समय भी खराब, एक एक जगह रुक के फिर उसमें काफ़ी थकान भी ज़्यादा ही हो गई, थकान भी हो गई थी। आज ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन एक दिन गलती करते हैं दूसरे दिन सुधार ली उस गलती को। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है, ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। यस गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक और वीडियो में दिल्ली सीरीज की, और अभी आ गया हूँ मैं नेशनल साइंस म्यूजियम, एजुकेशन नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है मेरे। नेशनल साइंस सेंटर, विज्ञान केंद्र, मतलब स्कूल में भी, मतलब हमारे स्कूल का बताऊं तो पूरे दिल्ली आए थे ओनली साइंस म्यूजियम देखने के लिए, तो जब तो मैं आया नहीं था, लेकिन आज आया हूं तो मेरे को वो चीज़ याद है, इसलिए मैं आज देखता हूं इधर साइंस म्यूजियम में क्या है। पहले तो मैं लेता हूं टिकट, टिकट रेट शायद मैंने पता किया था 60 रुपये का है। तो ये साइंस म्यूजियम के अंदर से इस तरह से देखते हैं और क्या क्या इधर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें मिलती है। इसमें से पानी निकले जा रहा है, इसमें कोई जादू ही नल, बढ़िया है। मैरीन एक्वेरियम, फ्रेश वाटर एक्वेरियम। द जोडियक ऑफ नक्षत्र, ये भी काफी अच्छा व्यू है इधर। Touch and explore. Touch screen. आगे चलते ही इधर म्यूजियम टाइप बना रखा है ये तो, इधर
इधर भी ताजमहल, मतलब वहाँ भी ताजमहल था वेस्ट ऑफ वंडर में। उधर पियानो ढोलक ये सब रखे हुए। अरे बात दिए इस एरिया में बता रखा है ह्यूमन लाइफ के बारे में, बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, कैसे बर्थ होते हैं। ये इधर ये आगे नीचे चल गए, डायनासोर का एरिया है ये इधर। डायनासोर तो वैसे सिंगापुर में, डायनासोर की ये कुछ झलकियां ही बच गई है, कुछ यादें ही बच गई है, डायनासोर एक्चुअल में तो है नहीं। तो ये इधर काफी अच्छा एरिया है डायनासोर्स का, काफी अच्छा है, मतलब नेशनल साइंस म्यूजियम भी है तो बोल सकते हैं घूमने आना ही चाहिए, थोड़ा एजुकेशनल जगह है। और अगर किड्स हैं आपके, छोटे बच्चे हैं, तो फिर तो जरूर जाना चाहिए, बाकी आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आना चाहिए। और ये इधर लास्ट में है, इधर ये मैग्नेटिक रिपल्सर, द बाउंसिंग ऑफ द पैराबोलिक बॉल। और क्राउड भी अच्छा ही है, कम तो है ही नहीं, मतलब हम जहाँ जहाँ भी प्लेसेस पे गए हैं, लाल किला गए थे शुरुआत में तो, और फिर गए थे आज भी दो तीन जगह गए थे, क्राउड तो हर जगह ही अच्छा मिला है। बिल्कुल जो मैं बता रहा था, यहाँ की जो एक तरह से टूरिस्ट प्लेसेस है, क्राउड अच्छा है। ये तो एक इधर अलग ही चीज देखी है, भाई साहब ये क्या चीज है। अरे भैया अभी मम्मी भी निकलेगी। ओ भजन कैसी चीज लग रही है ये, मम्मी भी अभी निकलने वाली है, और मम्मी ओ काफी तो हो गया पूरा नेशनल साइंस म्यूजियम। बस अब सीधे है हमारी ट्रेन जयपुर के लिए, तो चलते हैं। हो गई दिल्ली ट्रिप 2 दिन की।